लाइक आपने कहा कि कुछ हिस्सा जिसमें उन्होंने आयशा ने ये कहा कि खवातीन को जो ड्यू रोल था वो नहीं दिया गया, उससे आपका इतफाक है, लेकिन बाकी हिस्से के मैसेजेस ऐसे आए थे उसको आपने इनकार किया कि 8-9 साल में कभी ऐसा मौका नहीं था आया। क्या कभी नहीं, इमरान खान कभी ने ऐसा मौका नहीं आया। खान साहब का एज अ लीडर जो है, वो मैं हमेशा से कहूंगी कि उन्होंने जो रिस्पेक्ट एज अ वर्कर देनी चाहिए थी वो दी। होते हैं ना स्टेज पे, आपको मर्द हजरात ज्यादा नजर आ गए, औरतें कम नजर आई, या मर्दों को प्रेफरेंस दी जाती थी। मैं तो उस डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रही थी पर्सनल लेवल पे, और ये कैरेक्टर के ऊपर, ये मेरा नहीं ख्याल के मैं तो खैर बिल्कुल नहीं कर सकती उस लिहाज से खान साहब से। और मेरा जो एक वर्कर और लीडर का रिश्ता था पर्सनल लाइफ में, उनका कभी किसी ने कमेंट नहीं किया और ना ही हम कर सकते हैं। शिकायत रहती थी बट एज अ पार्टी वर्कर रहती थी कि आप खवातीन का जो एक रोल है उसकी तरफ नहीं देख रहे। ये जो आयशा का एलिगेशन है, ये जो है वो मुझे थोड़ा सा, मुझे लगता है कि वो ओवर द बोर्ड चली गई हैं। उनको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए था, क्योंकि वो सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही है, बाकी खवातीन की भी बात कर रही है। तो बाकी खवातीन को हमें और बड़े मसले हैं, अगर वो इस मसले को वो करेंगी तो ये तो बाकी खवातीन के लिए सियासत करना मुश्किल हो जाएगा ना। तो इस वाले एलिगेशन के बगैर भी बात हो सकती थी। वुमेन डिस्क्रिमिनेशन तो वैसे ओवरऑल पॉलिटिकल पार्टीज में और पीटीआई में इतनी ज्यादा है कि मेरे ख्याल में वही बहुत बड़ा इश्यू है। ये वाला इश्यू तो खुद खवातीन के लिए भी उतना ही डैमेजिंग है जितना के किसी एक पार्टी के लिए है ना। तो मेरे ख्याल में ये एलिगेशन मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ।